डायरेक्टर और फिल्म मेकर नीरज वोरा का गुरुवार की सुबह 4 बजे क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें पहले फिरोज नाडियाड वाला के घर बरकत ले जाया गया। परेश रावल ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में उन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में एडमिट कराया गया, जहां वो कोमा में चले गए थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि साल अगस्त में उनमें सुधार के संकेत दिखे थे। आपको बता दें कि नीरज ने फिर हेराफेरी, खिलाड़ी 420 जैसी फिल्में निर्देशित की थी। वे थिएटर में भी सक्रिय थे। उन्होंने गुजराती प्ले आफ्टरनून भी किया था। इसके अलावा नीरज राइटर भी थे। उन्होंने रंगीला, अकेले हम, अकेले तुम, ताल, जोश, बदमाश, चोरी चोरी चुपके चुपके, आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्मों के संवाद खुद लिखे थे। नीरज हेराफेरी 3 पर काम कर रहे थे, लेकिन बीमारी के चलते इसमें रुकावट आ गई। बताया जा रहा था कि वह पैसों की तंगी से भी जूझ रहे थे। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।